सो हे गाइस, समथिंग यूनिक। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में इंस्टाग्राम की पांच न्यू फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट में ऐड हुआ है। तो गाइस, अगर आपको भी उन पांचों फीचर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब करना भूलेगा। तो मैं आप लोग के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस, जो फर्स्ट फीचर है, उस फीचर के हेल्प से आप अपने फेसबुक फ्रेंड को डायरेक्टली इंस्टाग्राम के हेल्प से मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मैसेज लिस्ट में जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद गाइस, आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइस, जिस बंदे को आपको मैसेज करना है, फेसबुक फ्रेंड वाले को, तो आपको उसका यूजर नेम सर्च करना होगा। नहीं तो गाइस, आप नीचे आएंगे तो आपको फेसबुक फ्रेंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हैं ये मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड है, इधर बना हुआ है फेसबुक फ्रेंड। तो गाइस, मैं कोई एक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के हेल्प से, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये फर्स्ट फीचर है, ठीक है गाइस। तो गाइस, जो सेकंड फीचर है, उस फीचर के हेल्प से आप अपने चैट की थीम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये ओपन किया, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस चैट के थीम को मैंने चेंज कर रखा है। तो गाइस, आप अगर आपको भी फिर से चेंज करना है तो आपको इस आई बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं इधर आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे इधर आपको थीम मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई एक थीम चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं ये ट्रॉपिकल क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसका थीम चेंज हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस, ये जो मतलब थीम इसका चेंज हो चुका है। तो गाइस, थर्ड फीचर बताने से पहले, अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए इंस्टाग्राम पे, तो आप फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मेरा यूजर नेम है यूनिक रविकेश, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, जो थर्ड फीचर है, उस फीचर ये फीचर पहले व्हाट्सअप में अवेलेबल था। आप उसको एक पर्टिकुलर मैसेज को रिप्लाई दे सकते थे। फॉर एग्जांपल के लिए ये रहा, मैं इसे मैसेज ओपन किया। तो गाइस, जो ये मैसेज है, मैं इसको स्वाइप करके एक इसको रिप्लाई दे सकता हूँ। ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था इंस्टाग्राम में, लेकिन अब अपडेट में आ चुका है, ठीक है। तो आप किसी के मैसेज को रिप्लाई दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो गाइस, जो फोर्थ फीचर है, उस फीचर के हेल्प से आप किसी भी मैसेज को रिएक्ट कर सकते हैं। जो गाइस, पहले था कि आप लॉन्ग प्रेस करने के बाद देख सकते हैं गाइस, इधर बहुत सारे रिएक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। पहले लॉन्ग किसी भी मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद बस अनसेंड का मैसेज आता था, ठीक है गाइस, अनसेंड का ऑप्शन आता था। लेकिन गाइस, अब इसमें रिएक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे यहाँ से आप उसको रिएक्ट दे सकते हैं। तो गाइस, जो फिफ्थ फीचर है वो गाइस, आप इधर अपने आईडी पे क्लिक करेंगे इधर, ठीक है, इधर। उसके बाद गाइस, आप इधर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, इधर देख सकते हैं गाइस, इधर क्यूआर कोड का फीचर ऐड हुआ है इसमें। यहाँ से आप अपना क्यूआर कोड ओपन करके किसी दूसरे के इंस्टाग्राम से स्कैन करेंगे, तो गाइस आपका आईडी उसमें शो हो जाएगा, मतलब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उस फ़ोन में शो हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ से आप मतलब अपना अकाउंट उस फ़ोन में शो कर सकते हैं, मतलब इस क्यूआर कोड से। तो गाइस, ये पांच फीचर न्यू अपडेट में ऐड हुए इंस्टाग्राम के। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब करना भूलेगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।